नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका एसटीआर में। और आपका सीजीएल टीयर टू का जिसका वेट कर रहे थे हम मार्क्स के, तो लगभग 30-31 में जहाँ तक मतलब एक्सपेक्टेड था आने का, तो वो आज मार्क्स आ चुके हैं। अच्छा हुआ क्या है, 13 तारीख वाले शिफ्ट में लोगों के काफ़ी मार्क्स पड़े हैं, तो 13 वालों का तो मुझे जितना पता चला, क्योंकि मेरे अधिकतर जो कॉन्टैक्ट में थे सबका 13 में ही था। तो 11 और 12 में क्या हुआ है वो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं। 12 वालों को पता चला है कि कई लोगों के मार्क्स कम भी हुए हैं इंग्लिश में। तो 13 तारीख को मैं बता दे रहा हूँ, एक रफली अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि देखिए मैथ में तो देखिए जो 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो उनके गलत वाले हुए थे वो हुए ही हैं, तो मैथ्स में लगभग 10 नंबर तक एक्स्ट्रा बढ़े हैं। लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश में लोगों के 25 से 30 नंबर तक या 20-25 इतने नंबर तक जो है बढ़े हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें तो आप जो ये समझ सकते हैं कि 13 तारीख वालों के लगभग 35 नंबर तक जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। 12 तारीख में ये मुझे एक बंदे का पता चला था कि उसके इंग्लिश में कम हुए हैं। और बाकी अगर आप बता सकते हैं कितने आपके मार्क्स बढ़े हैं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ है, और मैं इसका बकायदा पूरा एनालिसिस करूँगा कि किस इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा समझिए पहली बात कि जो कट ऑफ आ चुकी है वो कट ऑफ है नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनी थी, यानी जो अभी मार्क्स आपके बन रहे हैं इस मार्क्स पे कट ऑफ बनी है। यानी कट ऑफ से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मार्क्स से आपके, यानी जो ये मार्क्स अभी आए हैं इन्हीं मार्क्स से आपका वो बना है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस वक्त मैं जो बता रहा था अभी भी मैं वही बता रहा हूँ, उतने ही मार्क्स। बस ये हो सकता है कि शिफ्ट वाइज आपको प्रॉब्लम हुई हो, कि हो सकता है 11 तारीख वाले स्टूडेंट्स को ऐसा ज़्यादा फायदा ना हुआ हो, या हो सकता है 13 तारीख वाले अब रेस में ज़्यादा आ गए हों, ठीक है। जो उस वक्त हो सकता है कि 450 पे थे अब आ गए हों ठीक ठाक, मतलब 480 490 पे, या हो सकता है जो 400 पे हो वो 440 या 450 में आ गया हो, और अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो रेस में आ गया होगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि अभी बहुत लोगों को मार्क्स अपना नहीं पता चल रहा है कैसे देखें, तो जो एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्यू मैथ्स की लिंक दे दूंगा, क्यू मैथ्स ने डाल रखा है वो लिंक, आप वहाँ पे जाइएगा। आपको ऐसा वाला होगा कि आपको एग्जामिनेशन नेम में आपको भरना होगा टीयर 2, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था कोई से ही भर दो, रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो उसको डाल दो, रोल नंबर तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी आपने लिस्ट देखी होगी। अच्छा रजिस्ट्रेशन पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है, आपको वो जो 4 अंकों का जो आपको पासवर्ड होगा, जो आपने टीयर 1 के मार्क्स देखे होंगे तो वो आपको याद होगा ही, अगर नहीं याद है तो आप जनरेट कर सकते हो, उसके बाद ये अपना कोड डाल के आप कर सकते हैं, अपना सबमिट करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अब इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि देखिए ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्यूमैथ ने जो है एक सर्वे डाला हुआ है, तो आपसे सभी से गुजारिश है कि आप उस जाके सर्वे को जो है उसमें अपने पार्टिसिपेट करो, और जितने भी जो जो मार्क्स हैं आपको जो जो भी आप शेयर कर सकते हो उसको भरो, एक सटीक एनालिसिस होगा। और देखो क्यूमैथ का टीयर 1 में भी अच्छा खासा मतलब जो उन्होंने एनालिसिस किया था शिफ्ट वाइज कि कौन सी टफ है कौन सी ईजी है, तो बहुत हद तक एकदम सटीक बैठा था। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपका मन है, आपको पता ही होगा क्यू मैथ कितने कैसा है, तो इसलिए आप जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करिएगा, कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो सही है, वरना तो जितना ज़्यादा लोग उसको करेंगे तो थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा, एक पूरा एक अच्छी क्लियर पिक्चर निकलेगी कि कौन से शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और कितना मतलब एक एवरेज मार्क्स बन रहे हैं लोगों के, 500 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा सा 500 के ऊपर बढ़े होंगे लोगों के मार्क्स, क्योंकि उस वक्त जो 470 या 480 भी सोच रहे थे वो भी इस वक्त 500 के ऊपर पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो उसमें पूरा क्लियर पिक्चर निकलेगी कि कितने लोगों का कैसा कैसा रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है आपके साथ थोड़े से आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं वो कमेंट में आप बताओ, थोड़ा सा पता चले मुझे भी, उसके बाद मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा इस पे भी। और एक वीडियो मैं इस पे ही बताने वाला हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट एसएससी ने निकालती है, इसके लिए भी आप सभी लोगों को एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि देखो वेटिंग लिस्ट देखो रेलवे निकालती है, बैंक निकालती है, सभी एग्ज़ामों में निकलते हैं, केवल एसएससी एक एग्ज़ाम है जो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती है। और आप समझ सकते हैं 17 वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि कितना टाइम हमारा लोग को बर्बाद हो जाता है
अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो होता क्या है कि मान लो 17 वाले इसमें भी हैं, तो 17 वाले उधर क्लियर होंगे तो आप समझ सकते हैं आपको एमटीएस तक, जो अभी एमटीएस चल रहा है उसमें भी फ़ायदा होगा अगर वेटिंग लिस्ट वाली अगर बातें आ जाए, क्योंकि सारे अच्छे स्टूडेंट सीजीएल सीएचएसएल या 2017 में लग जाएंगे तो एमटीएस की कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, सीएचएसएल की कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी और अदर एग्जाम्स जो हैं उसमें बहुत फ़ायदा होगा। और ये चीज़ सब इसको करना चाहिए, तो इस पर भी मैं एक वीडियो पूरा बनाऊंगा कि कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो और बाकी कुछ डाउट होगा तो आप पूछिएगा, और ये तो केवल अपडेट के लिए वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करिए, वैसे तो लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।